एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है, एंटिटी क्लास क्या होती है, उसको एंटिटी टाइप भी बोलते हैं। उसके बाद एंटिटी सेट की बात की जाएगी, वीक एंटिटी क्या है, स्ट्रांग एंटिटी क्या है, सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और कल इंशाल्लाह हम एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। एट्रीब्यूट का एंटिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में प्रैक्टिकल पोर्शन में आता है, शॉर्ट भी आ सकता है इसमें से। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आईटी सीरीज की हम बुक फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 हमने कल लेक्चर फर्स्ट किया था इसका। आज हम सेकेंड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और एंटिटी की डेफिनेशन आपके सामने है। एंटिटी क्या है? कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग और कोई भी इवेंट हुआ है जिसके बारे में कंपनी डाटा इकट्ठा कर रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डाटा कलेक्ट कर रही है और वो डेटाबेस में स्टोर करना चाह रही है, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। दोबारा से, पर्सन, एंटिटी इज एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट है अबाउट विच डाटा इज गैदर्ड एंड स्टोर्ड इन द डेटाबेस, फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड और गैदर्ड और मेंटेन किया जा रहा है डेटाबेस के अंदर। ये पैक्ड लाइन है, आपने इसको एज इट इज याद करना है सारे का सारा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइब्रेरी सिस्टम की बात करें तो उसमें किस चीज़ का डाटा को स्टोर किया जाएगा, बुक का डाटा हो सकता है। कॉलेज सिस्टम की बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स का डाटा होगा, स्टूडेंट एक एंटिटी होगी, टीचर एक एंटिटी होगी, क्लासरूम या क्लासेज एक एंटिटी होंगी, सब्जेक्ट्स कोर्सेज एक एंटिटी होगी। आगे फिर एग्जाम्पल देख लें, बाय नेम जो डेफिनेशन दे रहे हैं उसके साथ, पर्सन, टीचर, प्लेयर, डॉक्टर हो सकता है। उसके बाद प्लेस की बात करें, कंट्री या कोई सिटी हो सकता है या कि कोई भी जगह हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें तो कोई व्हीकल, टॉय, फर्नीचर हो सकता है। इवेंट, परचेज, सेल है, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन हो सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट में कॉन्सेप्ट अगर है तो प्रोग्रामिंग है या कोई कोर्स सब्जेक्ट है और या फिर अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू पॉइंट भी आ सकता है। एंटिटी को हम रेक्टेंगल से जाहिर करेंगे जी। नेक्स्ट में द नेम ऑफ द एंटिटी इज रिटन इन साइड द रेक्टेंगल, उसका नाम एंटिटी का रेक्टेंगल के अंदर लिखा जाएगा। और बास बुक्स जो है वो फॉरन ऑथर की रिकमेंड करती है कि आप एंटिटी का नाम कैपिटलाइज लिखें, बड़े लेटर में लिखें। एंटिटी इज यूज्ड इन थ्री डिफरेंट मीनिंग्स, दैट इज एज फॉलो, मतलब एंटिटी में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी टाइप क्या है? जी बच्चों, सबसे पहले तो एंटिटी टाइप अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट एंटिटी है। उसके बाद एंटिटी टाइप में तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब एक ही एंटिटी का डाटा उसमें डिस्कस किया जाएगा। टीचर की बात करें उसमें सारे के सारे टीचर्स होंगे, तो आल्सो कॉल्ड एंटिटी क्लास भी इसको बोलते हैं और एंटिटी टाइप भी कहते हैं। एक ही टाइप की जो एंटिटीज एक ग्रुप में फॉल करेगी, दैट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। अ सेट ऑफ एंटिटीज विद द सेम एट्रीब्यूट्स, लाइक अगर स्टूडेंट की बात करें तो सब स्टूडेंट का रोल नंबर भी होगा, सबका नेम भी होगा, सबकी क्लास भी होगी, उसका फोन नंबर भी होगा, उनका जेंडर भी होगा। मतलब अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुशियात जिनकी सेम है, तो एक ही कैटेगरी में फॉल करें, दैट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। दोबारा से, सेट ऑफ एंटिटीज विद द सेम एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एंटिटी टाइप, जिनके एट्रीब्यूट सेम है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज को शेयर करें, दैट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द की पॉइंट ऑफ द डेफिनेशन, उनकी खुशियात सेम होंगी। आल्सो नोन एज एंटिटी क्लास भी कहा जाता है। दोनों टर्म अल्टरनेटिवली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक एंटिटी क्लास है, उसमें सेट ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जाएगी। अगर हम बुक की बात करें उसमें सारी की सारी बुक्स ही आएंगे, उसमें नोटबुक नहीं आ सकती, तो बुक एक एंटिटी क्लास हो सकती है, एक एंटिटी टाइप हो सकती है। टीचर एक एंटिटी टाइप हो सकती है, क्लरिकल स्टाफ एक एंटिटी टाइप हो सकती है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ये डेफिनेशन देनी है तो साथ में आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है एंटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में जी, व्हाट इज एंटिटी इंस्टेंस? अब अगर हम कह रहे हैं सेट ऑफ एंटिटीज हैं, लाइक स्टूडेंट है तो काफी सारी एंटिटी उसके अंदर ना, काफी सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिटी सेट या एंटिटी क्लास। अगर हम एक क्लास की बात करें उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जो एक बंदा होगा, एक सिंगल पर्सन जो होगा, दैट इज कॉल्ड एंटिटी इंस्टेंस, उसको हम एंटिटी इंस्टेंस देंगे। मतलब तो सिंगल बंदे की बात की जा रही है, वो पूरी क्लास की बात हो रही थी, यहाँ पे एक बंदे की बात हो रही है। जी, व्हाट इज एंटिटी इंस्टेंस? मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास, मेंबर आपने याद रखना है डेफिनेशन के लिए। मेंबर ऑफ एंटिटी क्लास इज आल्सो नोन एज एंटिटी इंस्टेंस, उसको एंटिटी इंस्टेंस भी बोलते हैं। और अकरेंस भी कहा जाता है इसको, कि किसी चीज का अकर होना या किसी चीज का एग्जिस्ट करना। इट इज आल्सो नोन एज एंटिटी अकरेंस, और ईच एंटिटी इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप हैज इट्स ओन वैल्यूज, मतलब अगर रोल नंबर की बात करें तो वो हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा, नेम हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा, तो एंटिटी इंस्टेंस की जो वैल्यूज होंगी वो डिफर करेंगी, दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। फॉर ईच इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अब्दुल्ला जो है वो स्टूडेंट एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस है।
उसके बाद एंटिटी सेट क्या है। अब इसमें बेटा जी थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें बात हो रही है नंबर्स की, तादाद की बात हो रही है। मैं कहता हूँ हमारी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, तो हम कहेंगे 15 का एंटिटी सेट है हमारे पास। ठीक है, एंटिटी क्लास और एंटिटी सेट को अपन आपस में मिक्सअप नहीं करना। एंटिटी क्लास हमारे पास क्या है कि तमाम स्टूडेंट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, और वेरी भी कर सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मतलब स्टूडेंट कितने हैं वो बात नहीं हो रही, सिर्फ स्टूडेंट्स के जो लोग, मतलब स्टूडेंट कैटेगरी में जो भी लोग फॉल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिटी क्लास। ठीक है, और अगर हम एनिमल की क्लास लें तो उसमें एनिमल्स आएंगे सारे के सारे, बर्ड्स की क्लास लें उसमें सारे के सारे बर्ड्स आएंगे, और अगर हम सेट की बात करें उसमें तादाद की बात हो रही है, सेट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप, किसी भी एंटिटी टाइप की जो सेट की बात हो रही है। यहाँ तक डेफिनेशन सेम है एंटिटी क्लास वाले, लेकिन आगे डिफरेंट है। इन द डेटाबेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जी बेटा ये इंपॉर्टेंट है। अगर 2012 में हमारे पास BS क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, तो 2014 में हमारे पास BS क्लास में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम बात करें 2023 की, तो तब हमारे पास जो एडमिशन हमारे 43 स्टूडेंट्स हैं, तो तादाद वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम तादाद को बेसिकली क्या बोलेंगे, एंटिटी सेट कहेंगे। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, दोबारा से इसको देख लें, ये हम बात इसको हाईलाइट कर रहे हैं जो हमारा की पॉइंट है बेसिकली, ये है हमारा की पॉइंट, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये डेफिनेशन का हमारा की पॉइंट हो गया। उसके बाद है जी, फॉर एग्जांपल एन एंटिटी सेट स्टूडेंट मे कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं वो इसका एंटिटी सेट कराएगा उस साल का। उसके बाद एंटिटी सेट टीचर मे कंसिस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी, और सेम नेम इज यूजली यूज्ड फॉर बोथ एंटिटी टाइप एंड एंटिटी सेट, नाम सेम यूज होगा लेकिन तादाद अगर हम काउंट कर लें तो वो सेट कहलाएगा, और अगर कैटेगरी देख लें किस किस्म की चीज़ है तो वो कहलाएगी एंटिटी टाइप या एंटिटी क्लास। ठीक है, इसको मिक्सअप नहीं करना आपने, ज़्यादा याद रखना। नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारे पास एंटिटी की एग्जाम। ये तो तीन कॉन्सेप्ट थे, पहले एंटिटी की डेफिनेशन है, उसके बाद एंटिटी जो हमारे पास आ रहा है जी एंटिटी टाइप या एंटिटी क्लास क्या होती है, उसके बाद उस एंटिटी इंस्टेंस की बात हमने की, और उसके बाद फिर एंटिटी सेट की बात कर ली। नेक्स्ट आगे हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि वीक एंटिटी क्या होती है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है। ठीक है, और ये इसकी कुछ डायग्रामेटिकल व्यू है, अगर हम इसको केयरफुली देखें तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, राइट। यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ था स्ट्रॉन्ग आना है, वीक एंटिटी को हम डबल लाइन रेक्टेंगल से शो करते हैं, और एसोसिएटिव एंटिटी भी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो दो एंटिटीज को आपस में मिलाएगी रिलेशनशिप के ऊपर। अगर ये देखिए ना, डायमंड सिंबल रिलेशनशिप का सिंबल है, लेकिन उसके ऊपर अगर एंटिटी का सिंबल बना हुआ है रेक्टेंगल, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव एंटिटी। दो डिफरेंट एंटिटीज होंगी, उनको आपस में ज्वाइन करेगा, आपस में उसका रिलेशनशिप बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव एंटिटी। विद एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करूंगा लास्ट में। फिलहाल आप देख लें व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट इज वीक एंटिटीज। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, जो एग्जिस्ट करती है बगैर किसी के ऊपर डिपेंड किए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। डेफिनेशन अभी हम देख लेते हैं, लाइक पेरेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और चाइल्ड जो है वो वीक एंटिटी है। पेरेंट चाइल्ड के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड तभी होगा जब पेरेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की जो बुक में दी है, तो पहले हमें क्लास को डिक्लेयर करना पड़ेगा, बाद में स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। मतलब स्टूडेंट जो है वीक एंटिटी है, क्लास जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। मतलब क्या है इसका, अब सपोज कर लें आपके कॉलेज में BS जो है वो स्टार्ट हो रहा है किसी डिपार्टमेंट का जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम डी फार्मेसी करवाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब डी फॉर्म जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो पहले उसको क्लास क्रिएट होगी, मतलब कि आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि हम ये वाला सेक्शन या ये वाली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अपने फॉर्म सबमिट करवाएंगे, उनका मेरिट बनेगा, फिर उन स्टूडेंट का दाखिला होगा। तो पहले क्लास क्रिएट की जाएगी, बाद में स्टूडेंट का दाखिला उसमें होगा, देन वो कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो क्लास बेसिकली हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और स्टूडेंट उसमें दाखिल होगा दैट विल बी वीक एंटिटी। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है, वीक स्ट्रॉन्ग पर डिपेंड करती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग किसी पर डिपेंड नहीं करती विदाउट
डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर सकती है। डेफिनेशन देख लें जी। जी ये है हमारे पास वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये भी आपने एंटिटी वाले क्वेश्चन के साथ इसको तैयार करना है। एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट ओनली इफ अनदर एंटिटी एग्जिस्ट इज नोन एज वीक एंटिटी। ऐसी एंटिटी ये किसी की एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, दैट इज कॉल्ड वीक, उसको वीक एंटिटी बोलेंगे। ऐसे मतलब स्टूडेंट जो है वीक एंटिटी, इट मीन्स दैट वीक एंटिटी डिपेंड्स अपॉन, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो किसी पर डिपेंड करेगी दैट इज कॉल्ड वीक एंटिटी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जी ये हमारे पास दैट डिपेंड्स अपॉन, जो किसी पर डिपेंड करेगी दैट इज कॉल्ड वीक, और एग्जिस्ट ओनली अनदर एंटिटी एग्जिस्ट, तभी एग्जिस्ट करेगी जब कोई और एंटिटी एग्जिस्ट कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड वीक एंटिटी। आगे फिर कहें, सपोज यू वांट टू स्टोर द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर असाइनिंग अ क्लास टू हिम, इट मीन्स दैट द डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इफ क्लास एंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर क्लास हमने स्टार्ट ही नहीं की कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट उसमें दाखिल नहीं हो सकता। क्लास क्रिएट होगी तो स्टूडेंट दाखिल होगा, क्लास पहले आएगी इट मीन्स कि वो पेरेंट है या स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड है या डिपेंडेंट है। इन ऑर्डर टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स वी फर्स्ट नीड टू क्रिएट एन एंटिटी दैट रिप्रेजेंट द क्लास। पहले हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, देन यू हैव टू सबमिट द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या है, स्टूडेंट वीक एंटिटी है और क्लास स्ट्रॉन्ग एंटिटी। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन है जी, एन एंटिटी ऑन विच द वीक एंटिटी डिपेंड, जिसके ऊपर वीक एंटिटी डिपेंड कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड ऑनर, आइडेंटिफाइंग ऑनर या फिर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अ वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल लाइन एरो, ये भी आपने वीक के साथ ही लिखना है कि उसका डबल लाइन रेक्टेंगल आपको बनानी पड़ेगी या स्केयर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट में हमारे पास है डेफिनेशन किस चीज की आती है, हाँ जी स्ट्रॉन्ग की, एन एंटिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी इज नोन एज स्ट्रॉन्ग। एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट, जो वैसे ही एग्जिस्ट कर सकती है, किसी की एग्जिस्टेंस के बगैर ही हो सकती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। और क्लास हमारी एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, उसे पेरेंट भी कहते हैं, डोमिनेंट एंटिटी भी कहा जाता है और ऑनर भी कहा जाता है, ठीक है। और चाइल्ड, डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट एंटिटी वीक एंटिटी को बोलते हैं। बल्कि ये सारी बातें वीक एंटिटी के बारे में, ये वाली को आपने इसके साथ ऊपर ही शिफ्ट कर लेनी है, ठीक है, यहाँ पे आपने वीक की डेफिनेशन देनी है। उसके बाद है जी हमारे पास व्हाट इज एसोसिएटिव एंटिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और बाद में उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एग्जांपल क्या है, लाइक एक स्टूडेंट है वो किसी कोर्स में इनरोल्ड है। यहाँ पे एग्जांपल डिफरेंट है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है और आसान भी है, वो देख लेते हैं। और जी ये डायग्राम देख लें जरा, कि पेरेंट पर्सन जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, उसके बाद चाइल्ड या वीक एंटिटी है, और ये इसका रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास जो डबल लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये वीक एंटिटी है, ठीक है, और सिंगल लाइन इसकी रेक्टेंगल की जो कह रही है कि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के जो स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी का रिलेशनशिप होता है वो भी डबल लाइन से इंडिकेट किया जाता है, और उसका जो आइडेंटिफायर होता है वीक एंटिटी का, लाइक जो प्राइमरी की यूनिक होगा, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटेड विद डबल अंडर लाइन, ठीक है, यहाँ पर डबल अंडर लाइन आपको मिल रहा होगा। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी होगी, एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट, सॉरी सबॉर्डिनेट तक हमने पढ़ लिया, उसके बाद रिलेशनशिप का बताया हुआ है। इन द फिगर अबाउट चाइल्ड इज वीक एंटिटी एंड पर्सन इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, आइडेंटिफाइंग ऑनर, पर्सन इज आइडेंटिफाइंग ऑनर या स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। द रिलेशनशिप ऑफ दीज एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल लाइन डायमंड, डायमंड सिंबल रिलेशनशिप का सिंबल है, लेकिन अगर डबल लाइन डायमंड है तो इट मीन्स के वो स्ट्रॉन्ग और वीक को आपस में ज्वाइन कर रहा है, इट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। इस तरह के रिलेशनशिप को जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी का होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, क्या बोलेंगे,
आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप का आ जाएगा, ठीक है जी। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप का क्या होगा, अगर वी को स्ट्रॉन्ग एंटिटी को आपस में ज्वाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग। एसोसिएटिव एंटिटी क्या होती है वो जरा देख लेते हैं। अब मैंने बोला कि एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है, एक स्टूडेंट एक कोर्स में एनरोल्ड हुआ है, तो जी एक स्टूडेंट है और एक हमारे पास कोर्स है। अगर स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें उसका रिजल्ट भी आएगा, तो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, नेम होगा, उसकी क्लास होगी। कोर्स का क्या होगा, कोर्स का आईडी होगा, कोर्स के क्रेडिट आवर्स होंगे और कोर्स का टाइटल होगा, कोई नाम होगा कोर्स का ना। अब स्टूडेंट जो मार्क्स आएंगे वो स्टूडेंट के किस में आएंगे, कोर्स में आएंगे। तो स्टूडेंट का आईडी और कोर्स का आईडी और रिजल्ट, ये तीन एट्रीब्यूट लगाए जाएंगे किसके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, और इसकी एक एंटिटी बनेगी दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, उसको बोला जाएगा। मैं व्हाइट बोर्ड पे जाकर आपको इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इसका मीनिंग हमारा क्या बनेगा या इसको हम किस तरह से देख सकते। जी ये व्हाइट बोर्ड पे जरा देखें, एग्जांपल हम बनाने जा रहे हैं कि सपोज अगर हमारे पास स्टूडेंट है, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास है जी एक हमारे पास स्टूडेंट की एंटिटी है, उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे एक हमारे पास कोर्स की एंटिटी है, एक स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल होता है, और अगर हम बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की, स्टूडेंट का होगा हमारा रोल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट का होगा नेम, ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है, इसको मैं साथ लिंक कर देते हैं। इसी तरह कोर्स का आईडी है, कोर्स का टाइटल है,
और क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम देख रहे हैं कि सपोज 3 एट्रीब्यूट इसके हैं, 2 एट्रीब्यूट इसके हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी एट्रीब्यूट का सिंबल हम बना लेते हैं, ये प्राइमरी की हमारा आइडेंटिफायर है, ये इसका आइडेंटिफायर होगा जो कि हम प्राइमरी की पढ़ेंगे आगे जाते हैं। उसके बाद ये कोर्स का टाइटल है या कोर्स का नेम आप कह सकते हैं। उसके बाद कोर्स के क्रेडिटर्स कितने हैं, 3 क्रेडिटर का कोर्स है, 4 क्रेडिटर का कोर्स है, इसको हम लिंक कर देते हैं साथ इसके एंटिटी के। अभी हमारी 2 एंटिटीज हैं, एक स्टूडेंट की और एक कोर्स की। अब इनको आपस में ज्वाइन करना है हम लोगों ने, तो दैट विल बी रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप होगा कि स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन अ कोर्स, स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन अ कोर्स। अब स्टूडेंट का आएगा जी ग्रेड, क्या आएगा ग्रेड। अगर हम कहते हैं कि ये स्टूडेंट का ग्रेड आ गया, ये एक एट्रीब्यूट बन गया हमारा। ये जो हमने एट्रीब्यूट बनाया है स्टूडेंट का ग्रेड या उसके मार्क्स किसमें है, इस स्टूडेंट के इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, ये ग्रेड इसका आ गया। अब इसकी एक अलग एंटिटी बनेगी जिसको हम इंडिकेट करेंगे यहाँ ऐसे, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव एंटिटी। एसोसिएटिव एंटिटी कैसे बनेगी, एक अलग हम टेबल बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर लेंगे यहाँ से, स्टूडेंट का कोर्स आईडी लेंगे यहाँ से, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट की बनेगी कंबाइन। ये चैप्टर नंबर 5 में आपको जाके बताऊंगा। और उसके बाद फिर ग्रेड साथ में रखेंगे। जब टेबल हम बनाएंगे, रिलेशनल मॉडल बनाएंगे, तो स्टूडेंट का रोल नंबर नेम एक टेबल में होगा, कोर्स आईडी, कोर्स टाइटल, कोर्स क्रेडिट दूसरे टेबल में होंगे, और तीसरा टेबल बनेगा जो हमारी इस एंटिटी का होगा जो कि रिलेशनशिप के ऊपर बना हुआ है, जो कि रोल नंबर यहाँ से लेगा और आईडी यहाँ से लेगा और ग्रेड आपको देगा। 3 कॉलम उस टेबल के बन जाएंगे, दैट विल बी अ एसोसिएटिव एंटिटी। जो 2 एंटिटी को आपस में मिला रहा है, इस स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट में इतना ग्रेड है, उन एंटिटीज को मिला रहा है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव एंटिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लें, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। व्हाट इज एसोसिएटिव एंटिटी? एसोसिएटिव एंटिटी इज अ टाइप ऑफ एंटिटी दैट एसोसिएट्स द इंस्टेंसेस ऑफ वन और मोर एंटिटी टाइप्स। स्टूडेंट को और कोर्सेज एंटिटी टाइप को आपस में कंबाइन कर रही है, तो उसके इंस्टांसिस को, उसके स्टूडेंट्स के डाटा को डिस्क्राइब कर, उनका ग्रेड इंडिविजुअली बता रही है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव। द एट्रीब्यूट ऑफ द एसोसिएटिव एंटिटी जो कि हमारा ग्रेड था, इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इट्स एंटिटी इंस्टांसिस। द फॉलोइंग फिगर शोज, ये भी डायग्राम आप बना सकते हैं और जो मैंने बताई वो भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी है। ये स्टूडेंट स्कॉलर आईडी है, स्कॉलर नेम है, उसके बाद ये रिसर्चर आईडी है, रिसर्चर नेम है, डिस्क्रिप्शन है, और इस बंदे को इस अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया स्टूडेंट स्कॉलर को, इस रिसर्चर ने दिया है। इस रिसर्च के ऊपर उसका डेफिनेटली कोई ना कोई नाम होगा अवार्ड का।